नीतीश बाबू किडनी ले लो ज्वाइनिंग दे दो, ये वो अभ्यर्थी हैं, बेरोजगार इंजीनियर हैं। अब बीपीएससी 305 वैकेंसी निकली थी, उसके बाद इन लोगों की समस्या है जो अभी ये अभ्यर्थी बता रहे थे। अभी हम जरा जानेंगे क्या नाम हुआ भाई सर। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता हुआ। क्या कुछ कहिएगा, काहे आज यहाँ कर रहे हैं धरना? हम लोग अपनी ज्वाइनिंग की मांग के लिए यहाँ धरना रख रहे हैं। क्या चीज़ का ज्वाइनिंग? बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर में। जी, कब आया था नोटिफिकेशन? 2019 में आया था। एग्जामिनेशन 2022 मार्च के महीने में हुआ है, 12 और 13 मार्च को, और रिजल्ट जून के महीने में आया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जुलाई में हुआ है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमारा ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं लोग, हमारा ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। किनके द्वारा? किनके द्वारा? विभाग के द्वारा, आरसीडी के द्वारा और सामान प्रशासन विभाग के द्वारा। बात किए थे अधिकारी? अधिकारी से बात किए हैं, लेकिन वो लोग दिन पे दिन बहला फुसला रहे हैं कि नहीं नहीं, तुम लोग अफेक्ट नहीं होगा, अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर नियमावली ला करके अफेक्ट कर रहे हैं हमारे ज्वाइनिंग को। जी, हम लोग नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंडी से बीटेक किए हैं। सर, मैं दयानंद सागर कॉलेज ऑफ बैंगलोर से मैं पढ़ा हूँ। बैंगलोर से पढ़ते हैं? आप कहाँ से? हम हरियाणा से, गवर्नमेंट कॉलेज से। हरियाणा से? जी, गवर्नमेंट कॉलेज। जी, किस ट्रेड में किए हैं? सिविल इंजीनियरिंग। सारे सिविल किए हैं? हमें आईआईटी पटना से एमटेक किए हुए हैं। एमटेक किए हुए हैं? जी। बीटेक? आप बीटेक हैं? क्या कुछ कहिएगा सरकार से, क्या उम्मीद है आपको? सरकार से बस यही हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हमें मिल जाए, बस जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करें। ये आप कहाँ से इंजीनियरिंग किए? एसआरएम चेन्नई। एसआरएम चेन्नई। तो यहाँ बीपीएससी और कोई जॉब वो अप्लाई नहीं की? बीपीएससी करना था? हाँ जी, बीपीएससी ही करना था। हम क्यूसेट केरला। चलिए, यहाँ पर लगभग अभी 50 अभ्यर्थी हैं जो अपनी समस्या को लेकर बता रहे हैं। जी, कुछ आप बता रहे थे भाई साहब। एक्चुअली हम लोग के साथ जो हुआ है, क्या बात है, एक्चुअली कुछ संविदा कर्मियों ने मतलब अपने वेटेज की मांग को लेकर मतलब कोर्ट गए थे। कोर्ट में गए, हम लोग का बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद सिर्फ ज्वाइनिंग होना बाकी था। आप लोग सब चयनित हैं? सब चयनित हैं। 305 में मतलब अंदर आते हैं? हाँ, 305 के अंदर ही हैं हम लोग सब, सारे चयनित, सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी था डिपार्टमेंट अलॉटमेंट के बाद। उसी समय बस कोर्ट ने मतलब कोई आदेश नहीं दिया था कि आप बैक डेट में जाकर नियमावली का संशोधन करो और उसके बाद करो, लेकिन विभाग ने अपने मन से विभाग ने क्या किया कि वो जैसे हम लोग एडवर्टाइजमेंट आया था 8/3/2019 को, लेकिन इन्होंने नियमावली को संशोधन किया 9/11/2022 को और उसको लागू किया ले जाके 6/3/2019 से। अगर ऐसे अगर लागू कर दिया जाता है तो हम लोग जो सिलेक्टेड हैं वो हम लोग बाहर हो जाएंगे। जो जॉब में रहेगा उन्हीं को जॉब दिया जा रहा है और हम लोग ऐसे बाहर हो जाएंगे। एक्चुअली उन्हीं के नियमावली के अंतर्गत हम लोग भी तो चयनित अभ्यर्थी हैं। 3 साल 25% उन लोगों को वेटेज देने की बात आई है कि वो जो संविदा पे काम कर रहे हैं उनके लिए अगर आप वेटेज दे रहे थे, इससे आप लोगों का सीट ब्लॉक हो, सीट ब्लॉक मतलब सारे जो चयनित अभ्यर्थी सब बाहर हो जाएंगे। 100 नंबर का डिफरेंस सर क्रिएट होगा, हम लोग 0 मार्क्स पे रहेंगे, वो 100 नंबर से लीड करेंगे आगे से। उन लोगों को इतना वेटेज दिया गया, अगर वो देना है तो कोई भी नियम बनता है तो वो आगे से लागू होता है ना, कि आप 3 साल, आपको याद आता है कि नहीं नहीं, हमको अब 3 साल पीछे जाके इस नियम को हमको देना है, संशोधन करना है। में कोई उल्लेख नहीं, 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 कोई एडवर्टाइजमेंट में कोई उल्लेख नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये सामान्य प्रशासन विभाग और पथ निर्माण विभाग दोनों के मिली भगत से बैकडोर से किसी खास सेटिंग एटिंग किया जा रहा है। हाँ, सिंपल यही है, बैकडोर से किसी खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब चीज षड्यंत्र रचा जा रहा है हम लोग के साथ। आप कहाँ से इंजीनियरिंग किए भाई साहब? हम उड़ीसा से किए हैं। उड़ीसा से? जी, कॉलेज किट यूनिवर्सिटी कलिंगा। जी, आप किए? बिहार गवर्नमेंट। क्या कुछ कहेगा, क्या उम्मीदें लग रही है सरकार से? सर, पहले उम्मीदें तो बहुत थी सर, लेकिन उम्मीद टूटती हुई सी दिख रही है। हम लोगों ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन अल्टीमेटली अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर हम लोग को धरना देना पड़ रहा है अल्टीमेटली। सर, हम लोगों ने मतलब 6 महीने से विभाग का चक्कर लगा रहे थे, हम लोग को पहले से बोला नहीं नहीं, कोई भी नियम बनेगा तो आप लोग को आगे से लागू होगा। जब ये हाई कोर्ट में जब ये पथ निर्माण विभाग ने अपना काउंटर एफिडेविट भी डाला तो उन्होंने बोला कि नहीं, आगे से ये लागू होगा, पीछे से नहीं होगा। लेकिन उसी बीच में क्या षड्यंत्र चलता है, 2 दिन में अचानक आनन फानन में नियमावली में संशोधन किया जाता है और उसको बैक डेट 3 साल पीछे से लागू कर दिया जाता है। अब बताइए, हम लोग जो 3 साल से तैयारी किए, इसमें हम लोग चयनित होकर आए तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, हम लोग कहाँ जाएंगे? ये देख रहे होंगे, ये अभ्यर्थी हैं और ये तमाम आप लोग कुछ बोलिएगा। क्या आप लोग कहाँ से इंजीनियरिंग किए हैं? दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। क्या कुछ कहिएगा नीतीश कुमार जी से? नीतीश कुमार जी से यही कहेंगे कि ये जो नियमावली है, फर्जी नियमावली आप बनाए हैं, इसको वापस लीजिए और हम लोग का ज्वाइनिंग दीजिए। सरकार से उम्मीद है कि आप लोगों की बात मानेगी? जी सर, सरकार से उम्मीद है, हमारी बात उन तक पहुंच जाए तो हमें उम्मीद है कि वो हमारी बात मानेगी और इसको पीछे से ना लगाए,
क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्शनल हो जाएगा कि आप किसी लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं 3 साल पीछे जाके, आप बनाए हैं ठीक है, आपको लगाना है आप आगे से लगाएं, बस इसको पीछे से ना लगाएं और हमारी ज्वाइनिंग जो है वो जल्दी करवा दें। आयोग के लोगों पे भरोसा है, जैसे आयोग के अधिकारी पदाधिकारियों से आप लोगों की कुछ लिखित बात हुई है लेटर आदान प्रदान कर? देखिए आश्वासन दिया गया है मौखिक रूप से, लेकिन लिखित रूप से कोई कंफर्म नहीं किए हैं। लिखित रूप से लेकर जाना चाहिए ना? नहीं, वो लोग हम लोग को आश्वासन दे रहे हैं मौखिक रूप से कि तुम से। हाँ कि तुम लोग को इसका लीड कौन कर रहे हैं? अच्छा, मौखिक रूप से आप लोगों को आश्वासन मिला है? हाँ, मौखिक रूप से बोला जाता था पहले। आप लोग लिखित नहीं जमा किए? लिखित हम लोगों ने जवाब मांगा है, लेकिन अभी लिखित हम लोग का ये जवाब अभी आया नहीं है। हम लोग सरकार से यही मांग दिए हैं लिखित। हाँ, लिखित हम लोगों ने जवाब मतलब मांगे, हम लोगों ने अपना एक एप्लीकेशन भी सामान्य प्रशासन विभाग को भी दिए हैं, पथ निर्माण विभाग को भी दिए कि लिखित हम लोग को तौर पे दिया है कि ये जो नियमावली जो संशोधन किया जा रहा है ये हम लोग पे लागू ना हो। ऐसे अगर ऐसे लागू हो जाता है तो हम लोग जो 4 साल से मेहनत किए हैं, सेलेक्टेड होके आए हैं, उन्हीं के नियमावली के अंतर्गत तो सेलेक्टेड है, तो हम लोग तो बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हम इसलिए पूछे गए कि मौखिक का कोई भाई नोटिस नहीं होता। हम लोगों ने RTI किया कंसर्न डिपार्टमेंट से कि वेदर दिस रूल रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हुआ कि नहीं, हमको हाँ ना में आंसर मिल जाए। इन्होंने उस कॉलम को खाली ही रख दिया, तो हम लोग कैसे समझे जहाँ लिखे हम लोग RTI किए, कैसे समझे कि ये लोग बैक डेट में करेंगे कि नहीं, वो कॉलम ही खाली। आप सेकंड विधानसभा में क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं मिला है। हम लोगों को कुल मिला के हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, ज्वाइनिंग दे दें। और ये सेकंड एश्योरेंस है कि हम लोगों पर ये लागू नहीं होगा, मात्र 2 वर्ड का खेल है ये। हम लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाए और 8 मार्च सॉरी जो रूल आया है जो रूल 2 दिन पहले से अप्लाई है, 6 मार्च 2019 से हमारी वैकेंसी, 8 मार्च 2019 से इस दिन हमारी वैकेंसी इफेक्ट हो जा रही है। मतलब पुराने नोटिफिकेशन के जी आप ही बताइए, सबसे बेसिक थिंग है कि कोई भी रूल बनता है तो उस दिन से अप्लाई होता है। बैक डेट में आज तक इतिहास में कभी बैक डेट में कोई रूल अप्लाई नहीं हुआ है। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि बैक डेट में जाके रूल अप्लाई हो रहा है। तो हमारी बेसिक से क्वेश्चन है कि बैक डेट में आप अप्लाई ना करके हमारे रिजल्ट दे और ज्वाइनिंग करवा दे। ऑलरेडी हम लोग 6 महीना से, जो सेकंड बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, हम लोग 2019 से तैयारी कर रहे हैं सर, ठीक है। 4 साल हम लोग का वेस्ट होगा, उससे पहले से भी तैयारी कर रहे हैं। 1 साल में तो 2019 में आया तो हम लोग सोचे कि 2020 में एग्जाम हो जाएगा, ये 22 में एग्जाम होता है। ऑलरेडी हम लोग का 4 साल चला गया, 6 महीना से ज्वाइनिंग नहीं आई, उल्टा कोर्ट केस। कोर्ट का प्रोसीजर होता है 2 साल 3 साल का। अब बताइए हम लोग 40 साल तक यहीं करेंगे तो फिर जॉब कब करेंगे? बिल्कुल बेस ये मेरी हमारी बेसिक क्वेश्चन। सूरज भान कुमार सिंह, यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार सरकार शर्म करो हमें हमारी नियुक्ति दो, ऐसे कई नारे हैं। जो एक नारा यहाँ पे है किडनी ले लो ज्वाइनिंग दे दो, किडनी दे दीजिएगा सही में। हाँ, ज़रूरत पड़ी तो देनी ही पड़ेगी। चलिए, ये तमाम बातें थे। यहाँ पर इंजीनियरिंग बेरोजगार इंजीनियर अपने मुद्दे को लेकर आए थे BPSC में। इन लोगों का कहना है कि 25% वेटेज जिन लोगों को दिया जा रहा है वो नोटिफिकेशन के तहत नहीं है। और भी तमाम बातें और मुद्दे हम लगातार उठाते रहते हैं, अभी फिलहाल गर्दनी बाग में है। मेरा नाम रविकांत हुआ, कैमरे के पीछे विपुल हैं। धन्यवाद।